कोरोना का कहर इतना बढ़ गया है कि उसका बेस शहर से खिसक कर गाँव में पहुंच गया है। अभी मई का हिसाब किताब आया नहीं है, लेकिन गाँव की डरावनी सच्चाई क्या है, उसकी ग्राउंड रियालिटी क्या है, ये हम आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी और नीरज राजपूत की नजर से। यहाँ पे कोई भी टीम नहीं आ रही है, ना कोई शासन प्रशासन यहाँ पर कोई ध्यान दे रहा है। कोरोना का संक्रमण हो रहा है, अब इसकी जांच हो तो वही पता चलेगा, अब कोई आता नहीं तो कैसे जांच होगी। गांव में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिस घर में लोग बीमार ना हो। यह है राजधानी लखनऊ के करीब मोहनलालगंज का जबरौली गांव। ये गांव आदर्श गांव की लिस्ट में शामिल है। कुछ साल पहले इस गांव की महिलाओं की हालत जानने के लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भी यहां आए थे, लेकिन कोरोना काल में यह आदर्श गांव बेहाल है। गांव वालों का दावा है कि एक महीने के भीतर इस गांव में एक नहीं दो नहीं 40 मौतें हो चुकी हैं। किसी को बुखार था, किसी को सांस लेने में तकलीफ थी। तो कम से कम 40-50 है आसपास। 40-50 लोग कितने दिनों मारे गए? अरे एक ही महीना में आसपास खत्म हुए हैं। कई लोग तो हमारे सामने ही घर के सामने, उनकी माताजी यहाँ से गई, वहाँ उनको कोरोना हो गया, उसके बाद वो वहीं दम तोड़ दी, घर भी मिट्टी नहीं लौट के आ रही, वहीं दफन कफन उनका हो गया। गांव के रहने वाले शंकर की पत्नी रजनी में भी कोरोना के लक्षण थे। रजनी को सांस लेने में तकलीफ हुई, अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों ने कहा ऑक्सीजन का इंतजाम खुद करो। जब इंतजाम नहीं हुआ तो गांव वालों ने पीपल के नीचे बैठने का देसी नुस्खा सुझाया। पीपल के नीचे बैठे बैठे ही रजनी परलोक सिधार गई। कि दो तीन दिन बुखार आया, बुखार लेने में सांस वांस लेने में दिक्कत हुई, बस खत्म हो गई। कल मैंने रिपीट एक्टिविटी वहां पे करवाई है, लगभग 25 लोगों का RT-PCR एंटीजन करवाया है। आशाओं को भेज करके घर घर की विजिट करवाई है, बस हमें क्रॉस चेक करना है। तो अब मैं जाकर के दोबारा क्रॉस चेक करती हूँ और देखती हूँ कहाँ पे कमी मिल रही है। कानपुर के मंधना का रामनगर गांव, यहां निगरानी समिति के लोग एक बार आए और 20 लोगों का टेस्ट किया। सोचिए 5000 की आबादी और 20 टेस्ट। गांव के लोगों का कहना है कि यहां कम से कम 100 घर ऐसे हो सकते हैं जहां कोरोना मरीज हैं, लेकिन किसी ने उनका हालचाल तक नहीं लिया। फोन किया तब वो बोले वो डोलो आप खा लीजिए। और उसके बाद जब हम पॉजिटिव हुए तो जो है उसके बाद हम होम क्वारंटाइन हुए। क्योंकि हमें शुगर था तो शुगर मेरी बढ़ गई, उसकी वजह से लंग्स में इन्फेक्शन हो गया। लेकिन गवर्नमेंट का कोई जो है उसमें रोल नहीं, ना सैनिटाइजेशन हुआ ना कुछ हुआ। गांव की आबादी करीब 5000 है, तो 5000 की आबादी में दो बार आके 20-20 की टेस्टिंग मेरे हिसाब से बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है। ये हंड्रेड्स में होनी चाहिए थी, रादर थाउजेंड्स में होनी चाहिए थी, लेकिन उस हिसाब से टेस्टिंग बहुत कम है। ABP न्यूज पर इस गांव की खबर दिखाने के बाद प्रशासन जागा और टेस्टिंग का अभियान शुरू किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद ABP न्यूज की टीम को कि आज टीम आई है हमारे यहाँ, जो आज कोरोना की एंटीजन टेस्टिंग हो रही है। हम लोग अपने प्रयास से जो भी था करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन शासन से कोई मदद नहीं मिल रही थी। और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देख लीजिए। यह है मेरठ के परतापुर के गगोल गाँव की तस्वीरें। यहाँ पिछले एक महीने में 60 मौतें हो चुकी हैं। गांव के लोगों का कहना है कि मृतकों में किसी की भी कोविड जांच नहीं हुई। इन लोगों का कहना है कि अगर सबका टेस्ट कराया जाए तो बहुत सारे लोग कोरोना संक्रमित मिलेंगे। इन्हें डर है कि अगर जल्द ही इनके गांव में सबका कोरोना टेस्ट ना हुआ तो कई लोगों को जान गंवानी पड़ सकती है। यहाँ पे कोई जाँच नहीं हुई, सारा झूठ बोल रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। और 8 तारीख में 5 मौतें हुई है, एक महीने के अंदर 60-65 मौतें हुई है, संक्रमण होगी 50-60, मतलब एक महीने के अंदर कितने लोग अभी तक बीमार होंगे? करीब में 500-700 तो बीमार कम से कम है, हर घर में बीमार है। और अब पूर्वी उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी देख लीजिए। सरकार ने पिछले दिनों गांवों में टीमें भेजकर सर्वे कराने, संक्रमितों की पहचान करने और साथ ही टेस्टिंग और ट्रीटमेंट कराए जाने का ऐलान किया था, लेकिन ये दावे सिर्फ किताबी और हवा हवाई साबित हो रहे हैं। गाँव के लोगों का जो कहना है कि यहाँ पर जब से सरकार ने ऐलान किया है कोई टीम नहीं आई है। यहाँ पर जो आशा वर्कर हैं, जो आंगनवाड़ी केंद्र की वर्कर हैं, वो आती हैं, वो लगातार एक्टिव ज़रूर रहती हैं, लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी लेती हैं, नाम नोट करती हैं, लेकिन वो कर कुछ नहीं पाती, नाम नोट करके चली जाती हैं। टेस्टिंग के लिए अभी तक यहाँ कोई टीम नहीं आई है। सरकार तरफ से, PSC तरफ से कोई डॉक्टर नहीं आया। हमारे गाँव में लगभग 7-8 डेथ हो चुकी है ना। हमारे पास, हम लोगों के पास पैसे भी हैं, कहीं सरकारी जगह पे इलाज, किसी सरकारी संस्था जाने पर इलाज भी नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश के गांवों में हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन यूपी सरकार अभी भी अपनी पीठ ठोक रही है।
तो ये ट्रेसिंग होने से बहुत एक अच्छा कदम था और इसकी सराहना WHO ने की है, धन्यवाद करते हैं। लेकिन हम सराहना पाने के लिए नहीं, अपने प्रदेश के लोगों को बचाने के लिए जो भी कदम उठाते हैं उठाते। पंचायत चुनाव कोरोना के लिए बड़ा स्प्रेडर साबित हुआ। जो लहर शहरों तक रुकी हुई थी वो अब गांवों तक पहुंच चुकी है। हाल ये है कि गांवों में टेस्टिंग और इलाज अभी भी बड़ी समस्या है और गांव वाले भगवान भरोसे। ये बात हम नहीं, सत्ताधारी पार्टी के कई जनप्रतिनिधि कह चुके हैं। तो शहरों की तुलना में गांव में आज कोरोना का कहर ज्यादा है, वहां आज हालात बहुत खराब है। शहरों की तुलना में गांव में कोरोना को लेकर जागरूकता की कमी है और खराब स्वास्थ्य व्यवस्था की वजह से गांव में कोरोना से ज्यादा मौतें हो रही हैं। अब ये वक्त की मांग है कि गांव में भी स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त हों। यूपी, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, MP समेत उत्तर भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर गांव-गांव में कोरोना फैल गया है और लोगों को इसकी भनक भी नहीं है, अगर है भी तो वो लाचार हैं। देश के गांवों में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। ये बात सही है कि इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा संक्रमण है, पॉजिटिव केसेस भी लगभग 70% आसपास गाँवों से आ रहे हैं। लगभग मैं कहता हूँ 2000 आसपास ही हर गाँव में लगभग कोई ना कोई पॉजिटिव है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के डोईवाला विधानसभा के बड़ेरना गांव की हैं। शहरी इलाके से करीब 15 किलोमीटर दूर पहाड़ी क्षेत्र में बसे इस गांव की आबादी करीब 200 लोगों की है। इन दिनों गांव में लोग बुखार और खांसी से पीड़ित हैं। कोरोना के डर से लोग घरों में कैद हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध न होने के चलते ये घर पर ही अपना उपचार खुद कर रहे हैं। गाँव में बहुत खराब स्थिति है, सब बीमार हैं पड़े हुए, कोई देखने आया नहीं, कई दिन हो गए, जुकाम बुखार चल रहा, सब डर रहे बाहर निकलने को। उत्तराखंड के ही रुड़की के गांवों में भी कोरोना की दहशत है। यहां के नारसन ब्लॉक में 60 से अधिक गांव हैं और इन सारे गांवों के इलाज के लिए सिर्फ एक उप स्वास्थ्य केंद्र है। गांव वालों का कहना है कि प्रशासन ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया है। गाँव में ना तो कोई टीम आ रही, जो सरकारी पूरा तंत्र है जिसमें ग्राम पंचायत विभाग से लगाकर स्वास्थ्य विभाग, ग्राम विकास विभाग, कोई भी आज की तारीख में धरातल पर काम नहीं कर रहा। ग्रामीणों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया और वास्तव में भगवान के भरोसे ही इस कोरोना महामारी से निपट रहे। हरियाणा में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। सोनीपत के गांव हरसाना में एक हफ्ते में 12 लोग जान गंवा चुके हैं। एक दिन में हुई 4 मौतों से गांव में दहशत है। हालांकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 2 लोगों की मौत ही कोरोना से हुई है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री भी मानते हैं कि गांव में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जितने आज की तारीख में कोरोना के मरीज भर्ती हैं उनमें 62% शहर के हैं और 38% गांव के हैं। अलबत्ता फिर भी हमने गांव में ये बीमारी ना फैले इसके लिए ठीकरी पैरा के आदेश जारी किए हैं और घर घर जाके सबके टेस्ट करने के लिए भी हमने टीमें गठित कर दी। कोरोना की दूसरी लहर से शहरों में स्वास्थ्य सिस्टम चरमराया हुआ है। ऐसे में गांवों का हाल क्या होगा इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। उससे भी बड़ी आफत इस संक्रमण को एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचने में रोकना है। ABP News, आपको रखे आगे।